कुरैशी, वाल्मीकि, हरिजन, ये मैं 100% वोट आपको दे रहे हैं। और ये हमने बेचारे ये नहीं कि भाई हमारे कोई किसी वजह से, ये वैसे वैसे मंत्री जी सु और आपके परिवार सु, आपके परिवार सु सिर्फ इन्हें ये मोहब्बत है कि भाई हम अगर हमारे यहाँ वक्त अल्लाह ने दिया तो यहाँ तो हम 2 रुपया खर्च करके चले जाएं, अपना सा घर माने। और ये आप लोगों की बाप दादान की तरफ से ये चला आ रहा है कि आपने सबको मान और सम्मान जो दिया है, इसलिए इन लोगों के दिलों में आपकी कदर है। ये वोट जो है ये किसी के कहने से या किसी और कई वजह से नहीं दे रहे, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत, आपके अखलाक, आपके अखलाक जो आपके पारिवारिक अखलाक हैं, आपने जो गरीब और इन मजलूमों को साथ लगा के इनको बराबर लेके चले हो, उसकी मोहब्बत में ये आप लोगों के लिए वोट दे रहे हैं। इनसे अल्लाह ताला मैं विश्वास देता हूं जी, अपने गांव मोहम्मदपुर की तरफ से, कि मैं 90% जासू ना कहूं कि भाई वो थोड़ी सी बात ठीक सी ना लगे मो या बात पे, हम अगर पौनी बात करके चले तो ठीक है, लेकिन 80% वोट मोहम्मदपुर गांव में या बूथ सू आपको 80% वोट इनसे अल्लाह ताला मिलेंगी। और जो आप लोगों की जो जोड़ी दोनों चाचा भतीजे इनकी हम देख रहे हैं, इससे ही गांव ज्यादा खुश है, यासू और ज्यादा खुश है। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने मीडिया वालों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये पुराने विधानसभा की जीत हरियाणा में ऐतिहासिक जीत होगी, लोग गुमराह ना हो, ऐतिहासिक जीत होगी। जो जितनी भी विधानसभा 90 विधानसभा में अगर कोई 1 नंबर पे जीत होगी तो वह हमारे पुराने हल्का की होगी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। एक बात ये भी है, मुझे ये भी बड़ी मैंने क्योंकि जो एनालिसिस किया कि जब हर हर मोदी घर घर मोदी थी लेकिन तब भी आपने जो है मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये बड़ी बात है, ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये करामात थी अपने हम पे। देखो जी ऐसा है, हमारे जो यहाँ के नुमाइंदे हैं मरहूम चौधरी रहीम खां थे जी, इस खानदान के जो खम रहे हैं जी, जो पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं, और इनकी इसी विधानसभा में ना तीनों जो विधानसभा हैं वो इनकी हैं, तीनों विधानसभा में नुमाइंदी करी है और वन्ने तीनों विधानसभा से मंत्री रहे, तीनों विधानसभा से, और मेवात ने पूरी मेवात, मेवात ये नहीं है कि मेवात यही एक जिला मेवात है, नू चौधरी रहीम खां मरहूम को भरतपुर मेवात, भरतपुर जिले में मेवात लगती है, अलवर जिले में मेवात लगती है, उनने वो प्यार और सम्मान दिया है उनके अखलाक के एतबार से, उनके जीते जी जो उसने इशारा कर दिया कभी ये कौम उससे दूर ना गई, उसको मान सम्मान पूरा दिया। और उसके बाद जो उनके साहबजादे हमारे मंत्री जी मोहम्मद इलियास जी, एक ऐसे लीडर है आज मेवात के जो तीनों विधानसभा से मंत्री रह चुके हैं, बिल्कुल, और पिछली बार एमएलए रहे हैं हमारे यहाँ से, और इंशाअल्लाह अब के 5वीं बार इतने तगड़ी मार्जिन से जो उसके अखलाक और एतबार के हिसाब से जो उन्होंने लोगों के साथ अच्छे बातें की है, जो इस परिवार को माना जाता है। एक बात और भी मैं कह रहा हूँ जी, जो इनका दस्तरखान है ना इस खानदान का, इनसे बोलते हैं जी नवाज का खानदान, इनका जो इनको जो दस्तरखान है वो एक मेवात की नहीं, ये हरियाणा की मिसाल है। हर वक्त आते जाते रहते हैं लोग, लेकिन ये गरीबों के मसीहा हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी है, और ये इसीलिए लोग इन लोगों को ये गले लगाते हैं, तो जब इनका वक्त 5 साल में एक आता है तो लोग इन्हें गले लगाते। क्या समझू कि क्या इस बार जो है अब जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनके पास अगर भीड़ है तो वे सिर्फ खरीदी हुई है, हमारे पुराने हलका की बिल्कुल ना है। मैं पूरे हलका से भी ये अनुरोध कर रहा हूँ, आप कई भी गाड़ी है रोक के और चेक कर लियो और ईमानदारी से उनसे पूछ लो, अगर हमारे हलका का एक भी आदमी निकल जाता पुराने विधानसभा का नहीं निकलेगा, वे सारी भीड़ जो है 1000 रुपए में 800 रुपए में इस तरह प्रति व्यक्ति के हिसाब से लेके आते हैं। अगर मैं आपके शब्दों को पूरा करूं कहीं ना कहीं अंदरूनी जो है वो बटन जो है वो यहीं दबेगा उनका भी। नहीं, वे यहाँ के है ही नहीं,
वे तो दूसरे 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 विधानसभा से भी नहीं, वो दूसरे प्रदेश से हैं। चलिए देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आरोप जो है दूसरे प्रत्याशियों की तरह ऊपर ये भी लगाया जा रहा है, और वो वीडियो के अंदर कैप्चर भी हुए होंगे कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से एक बड़ी बात कही जा रही है कि यहाँ पर आप सारी वीडियो बना लो कि यहाँ जो भीड़ है वो यही कहलके की है, इनकी मोहब्बत में बिना किसी लोभ लालच के। लेकिन तमाम जो दूसरे प्रत्याशी अपनी भीड़ और एकजुटता दिखाने की प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे के बल पर प्रयास कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा मैसेज शायद इस विधानसभा से पूरे हरियाणा के अंदर जाने वाला है। जी मैं तो जी आपसे ये बात कह रहा हूँ कि लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी भी गाड़ी को रोक के आप कहीं भी जाके दूसरे प्रत्याशियों के निशान के साथ साथ आप वहां जाके मालूम कर लो कि ये कौन सा गांव है। हमारी विधानसभा के वो गांव नहीं बता सकते, वे तो दूसरे सूबों से लोग आए हैं, दूसरे सूबों से आए हैं। डीग तक के आदमी मैंने देखे हैं, जो मेरे से मुलाकात भी हुई है और मेरे से मिले भी हैं, जो डीग तक के आदमी यहाँ आए। हमारी विधानसभा बिल्कुल क्लियर, लोगों ने मन बना लिया है। अकबर चौधरी मंत्री इलियास को भारी मतों से जिताना और हमारी एक बात है, अब हम पूरी विधानसभा में हम ये करना चाह रहे हैं भाई, एक हमारा इतिहास पैदा हो जाए कि पुनाने विधानसभा की जीत हरियाणा प्रदेश में सबसे ऊंची रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्री जी से कुछ सवाल करें।